16 फरवरी 2020 को रैया चौकी हाट की दौलतपुर गांव तारन डुबा काकन बैरगाछी चौक होती हुई डुमरिया तक बेदारी मुहिम जागरूकता अभियान को लेकर मोटरसाइकिल द्वारा एनआरसी सीएए और एनपीआर के खिलाफ एक रैली निकाली गई, जिसकी अध्यक्षता सोशल वर्कर मौलाना अफाक आलम सिद्दीकी ने की। उन्होंने कहा कि हम अपने इलाके में इस बेदारी मुहिम के जरिए इस काले कानून का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री कभी बोलते हैं यह कानून लागू नहीं करेंगे और कभी बोलते हैं हम इस चीज को नहीं ला रहे हैं। आज हमारा इलाका सैलाबी इलाका है, कागज तो छोड़ दीजिए, घर दीवार तक खत्म हो जाती है, कागजात कैसे संभालें? हमारा मकसद यह है कि हमारे इलाके के लोग जागरूक हो जाएं। हमें किसी भी सूरत में किसी भी दस्तावेज किसी के हवाले नहीं करनी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग बेदारी मुहिम चलाते रहेंगे। आज जो ये बेरोजगारी बढ़ती जा रही है इसका रीज़न यही है, चूँकि आज हुकूमत मुख्तलिफ किस्म के कवानीन को लागू करते हैं जिनकी वजह से लोग परेशान हाल है। ये परेशानी तभी ख़त्म होगी, बेरोज़गारी उसी वक्त ख़त्म होगी जब कानून इस किस्म के जब हुकूमत इस किस्म के कवानीन काले कवानीन को वापस लेंगे। लोग इस कवानीन से जब दूर हो जाएंगे इस किस्म की परेशानी ख़त्म हो जाएगी तो बेरोज़गारी भी ख़त्म हो जाएगी। बेरोज़गारी की वजह यही है कि हुकूमत काले कवानीन को नाफिज करते हैं, लोग उस कवानीन के पीछे अपने वक्त को बर्बाद करते हैं। जब वो अपने कीमती वक्त को बर्बाद कर लेंगे तो उनकी बेरोज़गारी आम हो जाएगी। आज लोग खाने के लिए मोहताज है, पीने के लिए मोहताज है, सोने के लिए मोहताज है। रीज़न यही है कि हुकूमत इस काले कवानीन को वापस ले लें, हम लोग भी इस बेदारी मुहिम से इत्मीनान हो जाएंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुबशिर आलम है। आज जो ये रैली निकाले आप लोग जो NRC CAA के ख़िलाफ़ है, क्यों, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहली बात ये रैली नहीं है, यह हमारा बेदारी मुहिम है। हम अपने इलाके में ये पैगाम देना चाहते हैं इस बेदारी मुहिम के ज़रिए से कि गृह मंत्री कभी बोलते हैं ये कानून नाफिज नहीं होगा, कभी बोलते हैं हम इस चीज़ को नहीं ला रहे हैं, तो हम लोग को ये बात समझ में नहीं आती है। जैसा कल उन्होंने कहा कि NRC लागू नहीं करेंगे लेकिन CAA और NPR ये लागू होगा, इसके खिलाफ़ में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लागू तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि आज हमारा पूरा इलाका सैलाब ज़दा इलाका, यहाँ पे कागज़ पत्र का कोई नामो निशान नहीं है। हर साल सैलाब आते हैं, कागजात तो छोड़ दीजिए, दरो दीवार ख़त्म हो जाती है। तो हम लोग ये बेदारी मुहिम जागरूकता अभियान बाकायदा शुरू किए हैं और हमारा मकसद यह है कि हमारे इलाके में लोग बेदार हो जाएं, कि हमें किसी भी सूरत में कोई कागजात किसी के हवाले नहीं करना है। ये हमारे सबसे पहली बात है कि अगर पेट भरा रहेगा तो आदमी कोई कुछ नहीं करेगा, मगर यहाँ पे पेट पे लात मारी जा रही है। रोज़गार तो दूर की बात है, आगे चल करके जो है ना खुराक नसीब होगी या नहीं होगी कहना मुश्किल है। ये सरकार इंडिया बेचने के लिए तैयार है, ऐसा लगता है। रेलवे बेच दिए है, एरोप्लेन बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, बैंकों को बेच दिए, अब बच गई है हमारी ये प्यारी धरती भारत। हो सकता है कहीं इसको भी गिरवी न रख दे, डर लग रहा है। तो इस माना कर हम तमाम लोग बाकायदा यहाँ के बाशिंदा ये आवाज़ उठा रहे हैं कि सरकार जो सोच रहे हैं वो अपनी सोच को बदले। और मैं बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से और गृह मंत्री अमित शाह से एक शेर कहूँगा कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, कानून बदलने की ज़रूरत नहीं, सिमत बदलो दिशा और किनारे बदल जाएंगे। एक चीज़ और बताइए कि ये रैली कहाँ से निकली और कहाँ तक जाएगी? आपका जो गंतव्य स्थान लास्ट वो कहाँ तक आप? जो कि हाट का एक बहुत मुअज्जम और जो है मशहूर चौक है, ईदगाह हाट। ईदगाह हाट बोलिए, दौलतपुर बोलिए, कामत बोलिए, जो भी बोलिए, वहाँ से बाकायदा चंद नौजवान जो अपने इलाके में ये पैगाम देने के लिए निकले हैं कि हम जब तक जो है इस चीज़ को आवाम तक नहीं पहुंचाएंगे हम सुकून से नहीं बैठेंगे। ये बेदारी मुहिम है, जागरूकता अभियान है। हुकूमत आए दिन जो अपने सोच को या अपने जो है आवाज़ या बात को बदलते हैं तो कोई एक स्टैंड ले वो, एक स्टैंड ले वो और बाकायदा भारत के तमाम लोगों से बाकायदा ये कहे कि हम कोई कानून नाफिज नहीं करेंगे, पहला जैसा था वैसा ही रहेगा, तो बात ही ख़त्म हो जाती है। ये हम लोग का मकसद है। चलिए, आपका नाम? मौलाना आफाक अनवर सिद्दीकी।
ये बेदारी जो आप लोग रैली निकाले हैं इसके लिए, तो क्या उद्देश्य क्या है और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ये आर्टिकल 14 के ख़िलाफ़ है। आर्टिकल 14 में स्पष्ट है, इक्वलिटी, सब मजाहिब के लोगों को आज़ादी है। भारत में अपने अपने मजहब के मानने वाले, अपने हर धर्म के लोग मानने जी वाले। हर धर्म के लोग मानने वाले हैं, उसको छेड़छाड़ ना किया जाए। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी आप बोल रहे थे सीए और एनपीआर ला के रहेंगे, गृह मंत्री के वेबसाइट, मेरा कहना नहीं है, मतलब सरकार जो कह रही है, सरकार जो कह रही है मैं उसी कह रहा हूँ। सरकार के जो गृह मंत्री के जो वेबसाइट है उसको, होम मिनिस्ट्री के, उस पर जाके देख लीजिए आप। एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एनआरसी, ऑटोमेटिक है। जब एनपीआर होगा तो एनआरसी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो उसको अभी तो वो लॉलीपॉप दे रहे हैं कि अभी नहीं लाएंगे। गृह मंत्री जी को चाहिए मेंबर पार्लियामेंट में के अष्टपष्ट के हम एनआरसी लाएंगे ही नहीं, अभी नहीं का, अभी का सवाल नहीं होना चाहिए उसको, तो ऑटोमेटिक हम लाएंगे ही नहीं। जब वो लाते ही नहीं तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाता। मेरा नाम मुद्दसिर अहमद हुआ। पहली बार मनसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स लेकर आए हैं प्रीकास्ट टॉयलेट, प्रीकास्ट वॉलीबॉल, इंटरलॉकिंग टाइल्स, चिकाल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, फैब्रिकेटेड स्टील डोर एवं विंडो। बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन, जिससे हम तैयार कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की टाइल्स। आप अपनी फैक्ट्री, घर, आंगन, बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक या बना रहे हैं अपने सपनों का घर, तो एक बार जरूर आएं। हमारा पता है मनसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स, रामपुर मोदनकटी, अररिया 0 माइल से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर, NH57 से पूरब। अल्ट्रासाउंड, कंप्यूटराइज लैब, एम्बुलेंस की सुविधा, जनरल वार्ड एवं डीलक्स वार्ड की सुविधा, हमारे अनुभवी सर्जन एवं डॉक्टर के द्वारा हमेशा आपकी सेवा में 24 घंटे CCTV कैमरे की निगरानी में। हमारा पता है हॉस्पिटल रोड 0 माइल अररिया।